रायबरेली अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। इसी का अंश है रेवती राम का तालाब, जिसका निर्माण 18वीं सदी में रेवती राम श्री वास्तव के द्वारा कराया गया था। रेवती राम मुगल काल के बादशाह आसिफ दौला के कर्मचारी हुआ करते थे। रेवती राम को मुगल बादशाह के द्वारा मिट्टी खुदवा कर फैजाबाद भेज का फरनामा मिला था। रेवती राम ने अहिया रायपुर से मिट्टी खुदवाने का काम किया, जो कि कायस्थ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। मिट्टी खुदवाते वक्त एक बड़ा खजाना भी प्राप्त हुआ था, जिसको रेवती राम ने बादशाह आसिफुल दौला के समक्ष पेश किया था। बादशाह ने रेवती राम श्रीवास्तव को यह कहकर खजाना वापस कर दिया कि मुझे मिट्टी की जरूरत है, ये खजाना आपकी किस्मत का है। इसी खजाने के कुछ अंश से रेवती राम श्रीवास्तव ने यह तालाब बनवाया, जिससे आसपास के लोगों को पानी मिल सके। और इसी रेवती राम तालाब में महिलाओं के नहाने के लिए भी स्थान बनवाया, जो आगे चलकर रेवती राम का तालाब के नाम से विख्यात हुआ। क्या पूछिए आपको? मेरा नाम हर्षेंद्र सिंह है। मैं रायबरेली की रियासतों में से एक चंदापुर रियासत के ही परिवार से हूँ। सर, आप राज घराने से हैं और एक यहाँ पर एक राज धरोहर है, जिसको कह सकते हैं ये रेवती राम तालाब है, बड़ा मशहूर है। क्या इतिहास है इसका, जो अभी गुमनामी में चल रहा है? रेवती राम श्रीवास्तव जी रायबरेली की एक रियासत थी, नसीराबाद। नसीराबाद के तालुकदार राजा हरिप्रसाद उस दौर में अवध के नवाब के दीवान थे, और राजा हरिप्रसाद की ही सिफारिश पर अवध की रियासत में नवाब सुजाउद्दौला के कर्मचारी के तौर पर रेवती राम जी की नियुक्ति हुई। और रेवती राम जी मूल रूप से हाथीगवा फतेहपुर के रहने वाले थे, और रायबरेली में हरचंदपुर विकासखंड की बाला ग्राम सभा में इनकी ससुराल थी। और इन्हें उस समय नवाबी में एक ये वहाँ से फरमान हुआ कि यहाँ पर मिट्टी की खुदवाई करा करके और उसे फैजाबाद पहुँचाया जाए। तो उस उद्देश्य से वो यहाँ पर खुदाई करवा रहे थे, और उस दौरान इस जगह पर उन्हें गड़ा हुआ धन मिला। और इस धन को लेकर के भी वो नवाब के पास गए, तो नवाब सुजाउद्दौला ने उनसे कहा कि यह धन तुम्हारे भाग्य से मिला है, हमें केवल मिट्टी चाहिए और यह धन तुम्हारा है। तो उस धन के एक अंश से उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया, जो आज रेवती राम जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो किस सन में इसका निर्माण हुआ था और क्या उद्देश्य था इसका निर्माण करने का? उस दौर में चूंकि पानी की समस्या होती थी, आज की तरह से कोई विकसित समाज नहीं था, तालाबों और कुओं पर ही पेयजल की समस्या पर लोग आश्रित थे, और तो इसलिए उस निर्माण को कराया गया। और ये 18वीं सदी के आसपास में ये निर्माण हुआ, क्योंकि उस 18वीं सदी में 1822 से और 1878 तक का कार्यकाल जो है वो नवाब सुजाउद्दौला का है। उसमें नहाने के लिए औरतों के लिए भी अलग? हाँ, अलग उसमें एक जनाना स्नान गृह उसमें बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए एक ही तरह ये होते हैं। जैसे जब ये आधुनिकरण थोड़ा सा हुआ, तो ये किस किस के जिम्मेदारी में ये आया और कैसे आगे इसमें देख रेख के लिए रखा गया? 1932 में जिला परिषदों का गठन हुआ था, तब ये संपत्ति जिला परिषद से अटैच की गई थी, लेकिन जिला परिषद ने भी उसको केवल अटैच किया, उसका कोई रखरखाव देख रेख नहीं किया। और फिर नगर पालिकाओं के गठन के बाद ये चूँकि शहरी संपत्ति थी, तो नगर पालिका से जोड़ दी गई। नगर पालिका ने भी इसके लिए आज तक ये निश्चित रूप से रायबरेली के एक अमूल्य धरोहर है, बहुत ही अच्छा निर्माण है, दर्शनीय स्थल है, लेकिन नगर पालिका ने ना तो उसकी कोई मार्केटिंग किया, ना कोई मेंटेनेंस किया। बदहाली में रेवती राम तालाब आज भी है। बीच में सोनिया जी ने जरूर अपने निजी से कुछ पैसा दिया था, तो उसका सौंदर्यीकरण हुआ था, लेकिन व्यापक ना तो सामाजिक सरोकार उससे जुड़े हुए हैं, और ना ही इस तरह की संस्थाएँ जिनके अधीन ये तालाब है, वो कोई ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उसका संरक्षण हो सके। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी जिले के लोग भी नहीं जानते हैं कि रेवती राम का तालाब क्या है। उस दिन में वो मेला भी बता रहे हैं कि वो मेला आयोजित होता है। अहिया रायपुर, किशनपुर, देवानंदपुर, ये सब कायस्थ जमींदारी के गांव थे, और जमींदारी के वक्त से वहाँ एक परंपरा थी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की का जन्मोत्सव मनाया जाता था, और उसके छठे दिन भगवान की छठी मनाई जाती थी, जिसमें भगवान को रेवती राम के तालाब पर लाया जाता था और यहाँ पर नौका विहार कराया जाता था। नौका विहार के उपरांत नई फसल अच्छी हो, इस कामना के साथ वहाँ नवाब पूजन होता था, और ये परंपरा आज तक बदस्तूर जारी है।
आज भी ये इतना बड़ा कुआं है, मतलब इतना बड़ा तालाब है, और आपको लगता नहीं है कि लोग इसको जानते नहीं हैं और ये अपनी बदहाली पर है, एक कोने में वीराने पड़ा हुआ है? निश्चित रूप से ये पूरे ज़िले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि वो आगे आएँ, इसके के लिए आवाज़ उठाएँ और इसे विकसित करने के लिए का पूरा प्रयास करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।